वेलकम टू इटरनल स्टडी। आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हाल में कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वहीं अगर बात हम करें ऑप्शन सी अजय कुमार की, तो ये हैं वर्तमान में हमारे डिफेंस सेक्रेटरी। वहीं अगर अजय कुमार सिंह की बात करें तो वह हैं गृह सचिव। चलते हैं अब आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल। हाल में भारत के किस राज्य में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया ऑप्शन बी राजस्थान में किया गया संग्रहालय है, मेमोरियल है, ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि संग्रहालय, अंगदाता संग्रहालय राजस्थान में शुरू किया गया है। तो राजस्थान इसके कैपिटल का है, तो राजस्थान के कैपिटल है जयपुर, यहाँ के CM है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु चेयर्ड द 8th annual फंक्शन ऑफ पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। हाल में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है, तो ये जो दीक्षांत समारोह हुआ है 8वां हुआ है 2020 में, संबोधित किया है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने। यहीं पे इन्होंने 45 मेगावाट प्रोडक्शन प्लांट की आधारशिला भी रखी है, 8th annual फंक्शन ऑफ पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है गुजरात में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च सेकेंड एडिशन ऑफ FIT इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम। हाल में किसने फिट इंडिया वीक प्रोग्राम, FIT नहीं कह सकते, फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन ए किरण रिजिजू। वर्तमान में जो हमारे खेल मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने, उन्होंने फिट इंडिया स्कूल वीक प्रोग्राम के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव। हाल में किसने सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। अच्छा, ये जो इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या है, तो देखिए टू ट्रेन फार्मर्स यानी कि जितने भी किसान हैं उनको ट्रेन करना, स्किल उनके डेवलप कराना, स्किल कहने का सेंस बेहतर ढंग से वो खेती कर पाए, कैसे अपने फसल को कीड़ों से मुक्त बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि कम लॉस हो उनको, तो ये सब है जितने भी फार्मिंग टेक्निक्स होते हैं उनको सिखाना, ट्रेन करना। अब ये जो इनिशिएटिव है NSDC द्वारा है यानी कि नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसके शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रिलीज बाई US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सबसे गंदा शहर बना है हाल में, तो ये बना है ऑप्शन बी लाहौर पंजाब का, यानी कि वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की जो रैंकिंग है इंडेक्स है US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार लाहौर पहले नंबर पर है। अभी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान इसके कैपिटल का है, तो कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है इस्लामी पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ NDDB। हाल ही में NDDB के तत्कालीन चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये की गई हैं वर्षा जोशी को। अब NDDB इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अभी जो था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग, उसमें ये ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थी वर्षा जोशी, अब इनको NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का तत्कालीन चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ग्लोबल CEO ऑफ बाटा। हाल ही में कौन बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल CEO बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं संदीप कटारिया। ये जगह लेंगे एलेक्सिस नसार्द की। अब बाटा, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1844 में और इसका हेडक्वार्टर है लॉसाने स्विट्जरलैंड। अच्छा, लॉसाने स्विट्जरलैंड, ज़ूरिक स्विट्जरलैंड, वहाँ पे फीफा का हेडक्वार्टर है और ये है लॉसाने स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू स्पेसीज ऑफ फ्रॉग नेम्ड एस्पायरोटेका। एस्पायरोटेका नामक नई मेढक की प्रजाति किस राज्य के वैज्ञानिक ने खोजी है? तो ये खोजी है कर्नाटक की, जो कैपिटल है बेंगलुरु, यहीं के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोज की है। नए जो मेढक का नाम है, स्पेसीज का नाम है, वो है एस्पायरोटेका। अब बात है इस मेढक की, तो नाम रखा जाएगा बेंगलुरु सिटी के नाम पे इस मेढक का नाम। तो ये कर्नाटक में पड़ता है, तो कर्नाटक कैपिटल है बेंगलुरु, इसको हम सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर है बज्जू भाई वाला। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द बुक PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स रिलेशनशिप विथ सिक्स। हाल में किसने PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट्स रिलेशन विथ सिक्स सिख नामक पुस्तक लॉन्च किया? किसने किया? तो ये किए हैं ऑप्शन डी ENV बोथ, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर और हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों ने मिलकर, यूनियन मिनिस्टर हैं दोनों, यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने इस किताब को हाल में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ऑथर द बुक टाइटल इंडियन आइकॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। हाल में किसने इंडियन आइकॉन अ कल्ट नेम्ड रॉयल एनफील्ड नामक पुस्तक लिखी है? तो इस किताब के जो लेखक रहे हैं ऑप्शन बी अमृतराज, माफ कीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा, अमृतराज। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़। हाल में छत्तीसगढ़ राज्य के चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो ये किए गए हैं ऑप्शन ए अमिताभ जैन। किसके जगह पे होंगे? तो राजेंद्र प्रसाद मंडल, इनके बाद ये बनेंगे अमिताभ जैन, यानी कि अमिताभ जैन से पहले थे राजेंद्र प्रसाद मंडल। ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल रायपुर। अच्छा, एक नया रायपुर है, ये शहर है देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में, वहीं पे एक छोटा सा शहर है नया रायपुर, उसका नाम बदल कर रख दिया गया अटल नगर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो CM है वो है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इंडिया टेस्ट फायर एंटी शिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। हाल में भारत ने कहाँ से एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल उसको लॉन्च किया है? तो ये किया है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से। अब ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वर्जन है। कुछ समय पहले ब्रह्मोस मिसाइल इसका सफलतापूर्वक किया गया है, लॉन्चिंग किया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। बात है अंडमान एंड निकोबार की, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार में ये बैरन आइलैंड, यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट है, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो भी निकोबार के कार निकोबार के नीचे आता है, मैप में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो क्वेश्चन होता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, विच बर्ड हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर। विच वर्ड हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय मेरियम वेबस्टर। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए क्वारंटीन, बी पेंडेमिक, सी लॉकडाउन, या फिर डी नन ऑफ दिस। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, 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 oh